यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। तो जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात रश्मिरथी दानवीर कर्ण के साथ होती है। तो वे कर्ण से उनके साथ रथ में कुछ आगे चलने को बोलते हैं। तो जब वे कर्ण को रथ में अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं तो उसी समय वे कर्ण के जीवन का जो रहस्य है वे कर्ण को बताते हैं कि आप जो हैं ज्येष्ठ कुंती पुत्र वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो यह सुन के कर्ण जो है काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो है कर्ण को जो है पांडवों की तरफ आने का निमंत्रण देते हैं। तो इस पर जो वो उत्तर भगवान श्री कृष्ण को देता है तो उसका ये वृतांत है जो मैं आपको सुनाता हूँ, तो सुनिएगा। जो आप आज कह रहे आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। पुर राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरित निर्मल। करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा।